क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो एंट्री इनकम्बेंसी एक फैक्टर जरूर हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी सोलह नगर निगम पर वापस से कब्जा कर लेती है या फिर जीत हासिल कर लेती है जो जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी हो बिल्कुल जाता आदर्श है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है, लेकिन जरा थोड़ा सा सतना के बारे में भी जान लेते हैं। सतना मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने जीत दर्ज की है। योगेश ताम्रकार ने सिद्धार्थ कुशवाहा को हरा दिया है, यानी कि ये जो मुकाबला था वो अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने सिद्धार्थ कुशवाहा को हरा दिया है, यानी कि इस सीट पर पूरी तरीके से तस्वीर अब साफ हो चुकी है। सत्ता की ये तस्वीर, मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है और एक और सीट जो कि पूरी तरीके से निर्णायक नजर आ रही है और एक के बाद एक बीजेपी के लिए आप यहां पर एक शुभ संकेत देते हुए। तो जिस तरीके से पहले बुरहानपुर और उसके बाद अब सतना पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है और योगेश ताम्रकार ने वहां से जीत दर्ज कर ली है, अब ऐसे में जो अब्बास हफीज सवाल उठा रहे हैं कि हम लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, शाम तक देखेंगे तो रिजल्ट बेहतर होगा, लेकिन क्या इस रिजल्ट की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही थी? इस सवाल बनता है, इस सवाल का जवाब उनसे ही लेंगे, लेकिन यहां पर वक्त सुर्खियों का उछला है। सहप्रायोजक सुयश हॉस्पिटल रायपुर, अत्याधुनिक न्यूरोलॉजी स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेवा उपलब्ध, और जॉइन ISBM यूनिवर्सिटी, कॉल 9109333333। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हासिल, सीएम ने ट्वीट कर जताई खुशी। और न्यूज स्टेट पर आप सुबह से देख रहे हैं सबसे सटीक नतीजे और लगातार हर तस्वीर को न्यूज स्टेट आप तक दिखा रहा है। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, मानसून सत्र को लेकर भी होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी, कांकेर में लैंडस्लाइडिंग से नेशनल हाईवे 30 हुआ बंद, धमतरी में नदी और नाले उफान पर, वहीं कोंटा में पूरा इलाका हुआ जलमग्न, लोगों को भेजा गया सुरक्षित स्थानों पर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 505 नए कोरोना संक्रमित, सबसे ज्यादा दुर्ग में 118 नए मामले। तो निकाय चुनाव के पहले चरण की काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में जो सतना का रिजल्ट निकलकर सामने आया, योगेश ताम्रकार को जीत हासिल हुई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ये कमल खिला है और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से वहां हार का सामना करना पड़ा है। अब्बास हफीज, अच्छे संकेत सर यहां से भी नहीं मिले, धीरे धीरे तस्वीर बदलने की बात कर रहे थे सर, ये तो दूसरा रिजल्ट आया वो भी आपके पक्ष में नहीं।